हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे ये टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है और क्रिटिकल एंगल क्या होता है। ये अपने वीडियो नंबर 2 में हमने बताया था। आज अपन डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड प्रिज्म। सेकंड, व्यू एंगल ऑफ फिश पानी के अंदर से कितने एंगल तक देख सकती है और कितना एरिया कवरेज करती है। तीसरा, मिराज एंड लूमिंग, ठीक है, और एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन जो यूज़ होता है, और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। राइट, पहला अपन डिस्कस कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अपन ने एक प्रिज्म बनाया, एक ऐसा प्रिज्म बनाया जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, राइट एंगल प्रिज्म है ये, और बाकी दो एंगल 45 डिग्री, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ये समझ लो एक प्रिज्म है, ठीक, जिसके दो एंगल 45 डिग्री और एक 90 है। यहाँ से ऑब्जेक्ट हमने रखा, ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, दूसरे यहाँ से आ रही है, ए भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को पीछे ले लो क्योंकि ए भी ले चुके हैं, ठीक। अब ये नॉर्मल होगा, ज्योमेट्री से अपन प्रूव कर सकते हैं कि ये 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री, तो इंसिडेंट एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है, राइट, n1 डैश। इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री है, क्रिटिकल एंगल कांच के लिए होता है 42 डिग्री, तो आई मोर देन आई सी हो गया ना, इंसिडेंट मोर देन क्रिटिकल, तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, राइट, लाइट रे यहाँ चली जाएगी। सेकेंड रे जो यहाँ जा रही है उसका नॉर्मल है n2 डैश n2, इंसिडेंट एंगल अगेन 45 डिग्री, आई मोर देन आई सी यहाँ भी है, इसका भी TIR हो जाएगा। सेकेंड रे यहाँ पर Q डैश और यहाँ पर P डैश, इस तरह से इमेज मिलेगी अपन को, ठीक है। तो एक टोटल इंटरनल प्रिज्म में वर्टिकल इमेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, राइट, तो एक ही हो गया। राइट एंगल प्रिज्म में आते हैं ABC, ये भी एक राइट एंगल प्रिज्म है, इसमें अपन ने ऑब्जेक्ट को यहां रखा, ये ऑब्जेक्ट है बी ही मान लेते हैं, यहां से एक लाइट आ रही है ऐसे, यहां एक नॉर्मल मिलेगा, ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, ये ज्योमेट्री से अपन प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे आई मोर देन आई सी होगा क्योंकि 42 डिग्री क्रिटिकल एंगल है और इंसिडेंट 45 डिग्री है, तो आई मोर देन आई सी हो गया, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट रे यहाँ आएगी, ठीक। और फिर यहाँ एक नॉर्मल मिलेगा, सेकेंड ज्योमेट्री से ये भी देख सकते हैं अपन कि अगेन 45 डिग्री होगा, इंसिडेंट 45 और क्रिटिकल एंगल 42 ग्लास का, तो फिर से इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से सेम इसका ये लाइट यहाँ आएगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये इसका ये Q डैश हो गया और ये P डैश हो गया, ठीक, जस्ट इन्वर्ट इमेज बन गई। तो ये भी एक यूज है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, एप्लीकेशन है। अब अपन डिस्कस करते हैं व्यू एंगल ऑफ फिश।
मान लो ये कोई कंटेनर है, यहां पर फिश है, ठीक। कितना एंगल तक देख सकती हो निकालना है। जो लाइट रे ऐसे आएगी तो वो यहाँ तक को किसी को दिखाने के लिए विजुअल रहेगी, ठीक। यहाँ की चीज ऐसे दिख सकती है, ये यहाँ से लाइट रे यहाँ आ जाएगी, ठीक। आई और ये आर, जब और दूर का एंगल बनेगा बड़ा एंगल तो और वेवफॉर्म नॉर्मल लाइट जाएगी। ऐसा होते होते यहाँ पर आई इक्वल टू आई सी हो गया, ठीक। इसके बाद लाइट रे इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। मीन्स फिश के लिए ये एंगल होगा जहाँ तक वो देख सकती है, ठीक है। ये सब व्यू एंगल होगा। इतने सर्कल की चीज़ें जो भी होंगी वो देख सकती हैं, ठीक है। ये आई बढ़ता रहा, क्रिटिकल एंगल 90 हो गया। इसके बाद लाइट जो आएगी वहीं आ जाएगी, तो यहाँ की चीज़ों को वो नहीं देख पाएगी, यहाँ की चीज़ों को नहीं देख पाएगी, यहाँ तक की चीज़ों को देख लेगी। इस रेडियस, इस सर्कल की हर चीज़ को वो देख सकती है और इस एंगल को। तो हमको ये एंगल निकालना है, राइट। तो म्यू एयर टू ग्लास, वाटर टू एयर, म्यू वाटर टू एयर, ये क्या होता है? साइन आई सी अपॉन साइन आर 90। तो म्यू वाटर टू एयर इज साइन आई सी अपॉन 1। तो 1 अपॉन म्यू एयर टू वाटर इज साइन आई सी, ये अपन ने निकाल के पहले ही रख लिया, राइट। और जहाँ तक व्यू एंगल की बात है तो आई सी हो गया साइन वर्स 1 अपॉन म्यू एयर टू वाटर, और सॉल्व करोगे तो साइन वर्स 1 अपॉन 4/3, जिसका वैल्यू हो जाएगा आई सी इक्वल टू साइन वर्स 3/4, मीन्स साइन वर्स 0.75, जो कि 48 समथिंग होता है, लगभग 49 डिग्री ले जाता है। तो व्यू एंगल इसका 49 डिग्री होता है, राइट, फिश का। अब हमको निकालना कि कितना एरिया की चीज़ वो देख सकती है, तो उसके लिए अपन रेडियस निकालते हैं, ठीक है। अब इसका रेडियस निकालने के लिए अपन नेमिंग कर दे रहे ओ ए बी, ओ ए बी इन ट्राइंगल ओ ए बी, ये 90 है ना, तो 10 थीटा निकाल लो। 10 आई सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस ओ ए, ठीक है। तो 10 आई सी इक्वल टू ए बी इज आर, और ये एच मान लेते हैं, कितना डेप्थ में है फिश उसका एच मान लिए, ठीक है। तो आर इक्वल टू देख सकते हो एच 10 आई सी। अगर क्रिटिकल एंगल मालूम है जैसे 49 डिग्री, तो उससे ही निकाल सकते हो, यही फार्मूला यूज़ होगा। अगर ये आई सी हमको एग्जैक्टली डिग्री में नहीं मालूम तो एक तरीका और है, इसको लिख दो साइन आई सी अपॉन कॉस आई सी, और एच साइन आई सी है तो कॉस को लिख दो 1 - sin² ic, ठीक है। अब हमको रेडियस निकालना है, तो एच साइन आई सी अपॉन रूट 1 - sin ic का होल स्क्वायर। और अभी अपन ने देखा था 21 नंबर में एच साइन आई सी 1/μ है ना, म्यू एयर टू वाटर,
तो ये आएगा एच अपान म्यू और नीचे ही म्यू स्क्वायर माइनस वन अपान म्यू, म्यू कट जाएगा तो ये आ गया आर इक्वल टू एच अपान रूट म्यू स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये रेडियस आ गई। अब इसी में अपन निकालना है कि कितना एरिया कवरेज होगा, एरिया व्यू एरिया, व्यू एरिया तो ये पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। पाई आर का स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर अपान म्यू स्क्वायर माइनस वन। तो न्यूमेरिकल में खास रूप से इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं कुछ इसमें, वो देख लेना। अपन ऐसा समझ सकते हैं कि जो रेगिस्तान वगैरह होती है वहाँ पे जो ज़मीन होती है काफ़ी गर्म होती है, राइट। ज़मीन की गर्म होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ की जो एयर है हॉट एयर जो कि रेयर खिलाती है और ऊपर की एयर रिलेटिवली कोल्ड होती है जिसको हम डेंसर बोल सकते हैं। और यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे हैं सोनिक डिमांड दे रहे हैं उनकी इमेज नीचे दिखने लगती है। क्यों दिखती है समझ आएगा ऐसा। जैसे यहाँ से लाइट आ रही है, ये एक नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल। डेंसर से रेयर में जब लाइट जाती है तो अभी साउंड नॉर्मल बेंट होती है, या ये फ्रॉम नॉर्मल हो गई, फिर और ये फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। ऐसा होते होते मान लो ये आई मोर देन आई सी हो गया तो लाइट रे उसी मीडियम में चली जाएगी, टी आई आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब जो ऑब्जर्वर होगा वो जब देखेगा तो ये जो पेड़ पौधे जो भी हैं वो कहाँ नजर आएंगे, ये लाइट रे कहाँ से आती हुई नजर आएगी, नीचे से। तो इसकी चीज़ों की इमेज यहाँ पे बनेगी। ठीक, ऐसा तो लगता है पानी है तो जानवर लोग दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिराज, मृग तृष्णा, राइट, मिराज है ये। ठंडे देशों में लूमिंग होती है, इसको इन्फ्रा मिराज बोलते हैं, लूमिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी रिवर या तालाब जो भी है पॉन्ड में, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड होगा, कोल्ड एयर को डेंसर बोलते हैं, और जो रिलेटिवली हॉट होगा इसको रेयर बोलते हैं। और यहाँ मान लो एक बोट है, इससे लाइटें ऐसे जा रही हैं तो ये डेंसर से रेयर जा रही, तो आई फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, फिर एक नॉर्मल मिला, फिर आई फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे होते थे। सपोज यहाँ पे आई मोर देन आई सी हो गया तो लाइट इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और टूवर्ड नॉर्मल। जो ऑब्जर्वर ज़मीन में बैठा हुआ देखेगा तो ये बोट कहाँ का कहाँ से ले जाते हुए यहाँ, तो इसको बोलते हैं लूमिंग। ठंडे देशों में होता है ये, राइट, आसमान से चीज़ें आती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, अगला है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर इससे सभी लोग फेमिलियर हैं, एक फ्लेक्सिबल ग्लास होता है, फ्लेक्सिबल ग्लास। इसके अंदर पहली लेयर को बोलते हैं, पूरा सॉलिड है ना लेकिन फ्लेक्सिबल है कोर, और इसके बाहरी लेयर को बोलते हैं क्लैडिंग, कोर और क्लैडिंग। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जैसे 1.5, तो इसका म्यू
1.4, ठीक है। तो लाइट रे जब डेंसर से ले जाएगी तो इसका टी आई आर होगा, फिर यहाँ आएगी, फिर टी आई आर होगा, फिर टी आई आर, ऐसे होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते होते इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बन जाएगा, ऑब्जेक्ट इमेज इस तरह से, यहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहाँ इमेज बनेगी। तो इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है इसके थ्रू। डॉक्टर ऑपरेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, इस केबल को स्टमक ऑपरेशन के दौरान यूज़ करते हैं इमेज देखने के लिए। ये एक ऑप्टिकल फाइबर से बनने वाली इमेज को दिखाया है इसमें, कि बंडल ऑफ ग्लास फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर हैं इसमें, और ये लेटर ए यहाँ लिखा हुआ है डॉट डॉट करके। तो एक एक की पॉइंट पॉइंट से इमेज बन करके यहाँ पर कैसे इमेज बनती है वो दिखाया है इसमें। इस तरह से अपने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ होता है, राइट। अगला इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट यूज़ है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, स्पार्कलिंग, ठीक है, अब डायमंड का जो चमक है उसका रीज़न, जैसे अपन एक ग्लास कटिंग की, इसमें लाइट आ रही है, इंसिडेंट एंगल है सपोज 60 है, ये आर लेस एंगल में टूवर्ड नॉर्मल बेंट हो गई लाइट, यहाँ आई सपोज कर ले रहे हैं जितना दिख रहा है जैसा, ये एंगल अपना 60 है ना, ठीक है, जितना दिख रहा है उतना लिख दिया हमने। क्रिटिकल एंगल कांच का होता है 42 डिग्री। तो आई क्या है, इंसिडेंट एंगल क्या है 60, और ये कितना है 42 डिग्री। तो इसका क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, लाइट यहाँ आई। अब ये एंगल हो गया मान लो 30, ठीक 30 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल यहाँ पे कितना है 42, इंसिडेंट कितना है 30, आई लेसन आई सी हो गया ना, लाइट रे अभी फ्रॉम नॉर्मल होते हुए निकल जाएगी। लेकिन अगर ये डायमंड होता कि लाइट रे यहाँ आई, बिल्कुल डायमंड इसी स्ट्रक्चर का हम डायमंड बना रहे हैं, डायमंड लाइट रे यहाँ थी, यहाँ से यहाँ थी, ये 30 होता आई, और डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता 24 डिग्री। तो आई मोर देन आई सी हो जाता है यहाँ पर, आई मोर देन आई सी होने की वजह से इसका टी आई आर यहाँ भी हो जाता है, लाइट यहाँ थी, फिर मान लो ये फिर लगभग 30 है, तो फिर टी आई आर हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर यहाँ टी आई आर हो जाएगा, ये भी लगभग ऐसे ही है ना, 24 ज़्यादा ही है ना ये। तो एक ही लाइट एक कितने बार टी आई आर होते होते अंदर ही अंदर ट्रैप हो जाती, एक लाइट ऐसे आकर के अंदर ही अंदर चली जाती, ट्रैप हो जाती, बाहर निकले नहीं पाती। तो ये लाइट एनर्जी इसमें स्टोर मतलब अंदर भरती जाती तो इसलिए चमकता रहता है, ठीक है। और नॉर्मल ग्लास लाइट आई यहाँ से निकल गया, तो इसमें स्पार्कलिंग चमक नहीं रहती, इसमें चमक रहती है ड्यू टू द एनर्जी, राइट। तो ये ग्लो करता है इसीलिए, क्योंकि इसके अंदर एक एनर्जी ट्रैप रहती है। तो ये सारे एप्लीकेशन हमने बताए, जो बहुत ज़रूरी थे डिटेल बताना वो बता दिए, और जो शॉर्ट में ज़रूरी थे 12th क्लास के हिसाब से वो बता दिए। और डिटेल में अगर समझना हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लेना। आज की वीडियो में अपन जो टॉपिक डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक रहेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, लेंसेज, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव,
एंड देयर प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, और इसी में एक और है लेंस मेकर फार्मूला, वो भी बताएंगे। ठीक है, ओके बाय।